नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स एंड रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकलव्य स्टूडियोज को और बेल आइकन बजाना ना भूलें। तो कैसा लग रहा है, बिग बॉस ने भी लास्ट टाइम बोला कि हमेशा आप बोलते हो, अब आज हम बोलेंगे आपके बारे में, वैसे सुन के कैसा फील हो रहा था? ओह माय गॉड, वो मेरे लिए फीलिंग ऐसी फीलिंग थी कि जैसे भगवान, साक्षात भगवान मुझसे बात कर रहे हो। भगवान भी हम सिर्फ महसूस करते हैं, उनका उनकी एनर्जी को हम फील कर सकते हैं लेकिन उन्हें कभी देख नहीं सकते। मेरे लिए बिग बॉस भी किसी भगवान से कम नहीं थे, और जिन बिग बॉस की आवाज़ मैंने हमेशा सुनी थी, उनके ऑर्डर्स हमेशा फॉलो किए थे, वो बिग बॉस साक्षात मुझसे कह रहे थे कि मेघा जी, आज मेघा आज आपके बारे में बात करते हुए हम हमारी जुबान नहीं थक रही। तो मेरे लिए ये उनका कहना किसी ट्रॉफी से कम नहीं था। जिस दिन मैंने अपनी जर्नी उस घर में देखी, उस एवी पे, उस बड़ी स्क्रीन पे मैंने जब अपनी जर्नी देखी, तो मुझे लगा कि बस यही मेरी ट्रॉफी है, और ये अगर मैं जी हूँ इस घर में तो मेरे लिए ये किसी विक्ट्री से कम नहीं है। और वो पल मेरे लिए उस घर में एक बहुत ही यादगार पल था। अपना सपना पूरा होते हुए मैं उस घर में को देख रही थी, और दैट वाज अ हैप्पी मोमेंट। थैंक यू सो मच, आपने हमारे थ्रू जाना मेघा दादी के बारे में कि मेघा दादी रियल क्या थी। जो घर के अंदर थी वो ही रियल था और बाहर भी वही रियल है। तो ऐसे ही हम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले। सो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।